हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी और इस लुक में मैंने फर्स्ट टाइम मेटैलिक लिपस्टिक लगाई है। मरून कलर की मेटैलिक लिपस्टिक है, मुझे बहुत पसंद आई लिपस्टिक। एंड मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन पे व्हाइट काजल लगाई है। दोनों चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम लगाई हैं एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक मैंने करने की कोशिश की। होप आप लोगों को पसंद आए एंड कैसा लगेगा मुझे सच्ची सच्ची बता जरूर देना कमेंट बॉक्स में, अच्छा बुरा जो भी लगेगा, ताकि मैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा नया ट्राई करती रहूं एंड मोटिवेटेड हो जाऊं फ्यूचर में कुछ भी ऐसा करने के लिए। आज की वीडियो में मैं यूज करूंगी रोज गर्ल से जो भी मैंने अपने मेकअप ब्रशेस मंगवाए थे, मैं उनको यूज करूंगी। मोस्टली उन ब्रशेस में आपको आई ब्रशेस मिल जाएंगे एंड एक पाउडर ब्रश है और एक फैन ब्रश है। तो 20 ब्रशेस हैं, सारे तो नहीं यूज कर सकी मैं इस वीडियो में, 6-7 मैंने यूज किए थे एंड ब्रशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उस वीडियो में आप ये भी देखोगे। प्लस purple.com पे सेल शुरू हो चुकी है, न्यू ईयर सेल, तो आप उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत सारा आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड मेरा नया वाला कूपन कोड है, तो आप प्लीज उसको ध्यान से देख लो, नया वाला कूपन कोड लगाना, पुराना मत लगाना। फिर आप लोग बोलते हो दी कूपन कोड चलता नहीं है, तो प्लीज चेकआउट कर लेना डियर, नया वाला कूपन कोड है। सब कुछ परचेज लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं डियर मैंने अपने बालों को ट्राई कर लिया है एंड मैं हमेशा की तरह अपने स्किन केयर करूंगी, तो मैं पहले अपने फेस के ऊपर टोनर लगाऊंगी। ये है ग्रीन बेरी का टोनर एंड थोड़ा सा इसको डैब 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 कर लूंगी। स्किन केयर मैं हमेशा इसलिए करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस समझा दूं, जो भी अगर मुझे फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है। तो फिर मैं लगाऊंगी अपना विटामिन सी सीरम एंड ये है मेरा सेंट बोटैनिका का। सारे के सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर लेना। अच्छी तरह से डियर सीरम को लगा लूंगी मैं एंड फिर थोड़ा सा डैप डैप कर लूंगी ताकि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। ये है गुड वाइब्स की वीच जम नाइट क्रीम एंड अच्छी तरह से मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी। एंड फिर मैं लगाऊंगी लोटस का लिप बाम, क्योंकि एंड में मैंने मेटैलिक लिक्विड लिपस्टिक लगानी है, तो मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने चाहिए, तब तक मेरे लिप्स बिल्कुल हाइड्रेटेड हो जाएंगे। एंड मैं फिर अप्लाई करूंगी निविया का बॉडी लोशन, ये है वेरी ड्राई स्किन वाला एंड मैं एक्चुअली शावर लेके आई थी, तो मैंने अपने हैंड्स के ऊपर कुछ नहीं अप्लाई किया था। और ये है वेट एंड वाइल्ड का ड्यू ल्यूमिनक्स प्राइमर। मेरी स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मैं करूंगी अपना मेकअप। तो मेकअप में सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर प्राइमर है डियर, ये बहुत ज्यादा ड्यूई फिनिश देता है, विंटर्स के लिए परफेक्ट वाला प्राइमर है। फिर मैं अपने फेस की थोड़ी सी कलर करेक्टिंग करूंगी एंड ये है NYBA के कलर करेक्टर्स, लिक्विड कलर करेक्टर्स है, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। तो ऑरेंज कलर जहाँ पे आपकी थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो स्किन, वहाँ पे आपने लगाना होता है। एंड जो ग्रीन कलर होता है जहाँ पे आपकी रेडनेस होती है, जैसे पिंपल की जो रेडनेस नहीं हो जाती, वो वहाँ पे आपने ग्रीन करेक्टर लगाना होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं लगा रही डियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो पूरा फेस यू नो ओवर हो जाता है। पहले आप इनको लगा लो, ब्लेंड कर लो, फिर बाद में आप करना है। एंड मैंने यहाँ पे अपने पूना स्टोर के ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट किया हुआ था, स्क्वीज कर लिया एक्सेस वाटर, आपने देखा अभी। एंड अब मैं कलर करेक्टर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद पाउडर सेटिंग करूंगी कलर बार का। ये है मेरा कॉम्पैक्ट और ये है डियर, अब मैं यूज करूंगी रोज गर्ल के ब्रशेस। ये पाउडर ब्रश बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप खुद ही देख सकते हो। तो अगर आप कुछ ऐसे मेकअप ब्रशेस मंगवाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उनको मंगवाओ। एंड अब मैं यूज करूंगी मेबेलिन का फाउंडेशन। थोड़ा सा फाउंडेशन को आप शेक कर लिया करो अप्लाई करने से पहले। 128 वार्म न्यूड ये मेरा शेड है, मैट एंड पोरलेस फाउंडेशन है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन है, लाइक आई लव दिस। मैट फाउंडेशन है तो ड्राई स्किन वाली ये मत सोचो कि आप लोग नहीं लगा सकते, आप देख सकते हो मैंने अपनी स्किन को कितनी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज किया स्किन केयर रूटीन के उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता स्किन को, आप खुद देख लो कितनी ब्यूटिफुली ब्लेंड हुआ है। फाउंडेशन हमेशा कम लगाया करो फर्स्ट बार में, अगर आप एक साथ लगा लोगे तो ब्लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है और एंड में अच्छी लुक नहीं आती। अब मैं अपने फेस की थोड़ी सी कंसीलिंग भी करूंगी एंड मैं अपनी कॉन्टोरिंग भी करूंगी, ये लिक्विड कंसीलर्स एंड कॉन्टोर से NYBA के हैं दोनों। जहां जहां पे आप कंसीलर लगाते हो आप वहां पे मैं कंसीलर लगा लूंगी, जहां पे कॉन्टोरिंग करते हो वहां पे मैं कॉन्टोरिंग करूंगी। आई गेस मैंने थोड़ा सा कॉन्टोरिंग में लाइट शेड यूज कर लिया, इससे एक और डार्क शेड था बट मेकअप करते समय मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने फिर यही वाला शेड लगा लिया कॉन्टोरिंग के लिए। एंड या वन मोर टिप है डियर आप लोगों के लिए, जब आप दोनों चीजों को इकट्ठा अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप कॉन्टोर को ब्लेंड किया करो,
सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो सबसे पहले आप कंसीलर को ब्लेंड किया करो, क्योंकि कंसीलर का होता है लाइट कलर, तो लाइट कलर होता है तो पहले आप उसको ब्लेंड किया करो, बाद में आप अपने डार्क कलर के कॉन्टोर को ब्लेंड किया करो, नहीं तो फिर वापस में मिक्स हो जाएगा ना इसलिए। एंड ये मैं अच्छी तरह से इनकी डैब 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 करके ब्लेंडिंग करूंगी। आप देख सकते हो जहाँ पे कॉन्टोरिंग करते हैं, जहाँ पे कंसीलर अप्लाई करते हैं। आई गेस मैं अभी भी ना कुछ ढूंढ रही थी टेबल के ऊपर, मैं इसे डार्क कलर का कंटूर ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला। ये है शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है, इसके साथ मैं अपने सारे कंसीलर को सेट करूंगी। एंड ये बहुत अच्छा वाला ब्रश है, मुझे अच्छा लगा इनका भी ये वाला ब्रश, तो मैं इसके साथ अपने जहां जहां पे मैंने कंसीलर लगाया वहां पे उसको सेट करूंगी। एंड ये स्पूली ब्रश था जो इसमें दिया हुआ था, तो अब मैं उसके साथ सबसे पहले अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। एंड ये एंगुलर ब्रश है तो मैं इसी के साथ आज अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। ब्रश इज सो गुड, आप देखना अभी कि मैं कितनी ब्यूटीफुली अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। तो डियर ये है वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट, तो सबसे पहले मैंने डार्क कलर लिया है अपने पीछे वाले आईब्रोज में लगाऊंगी। एंड फिर मैं थोड़ा सा लाइट कलर लूंगी, आप देख लो बहुत थोड़ा सा लाइट वाला शेड लूंगी, वो फ्रंट वाले आईब्रोज पे लगाऊंगी। वर्टिकल मोशन में आप लगाओ। एंड ये ब्रश बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आप देख सकते हो मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया और मैं कितना ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद मैं एंड में फिर से थोड़ा सा अपने स्पूली के साथ अपने जितना भी आईब्रोज है उसको थोड़ा सा कॉम कर दूंगी। अब मैं आई शेडो यूज करूंगी, आज आई शेडो पैलेट होगी ये शुगर की ब्लेंड रूल्स आई शेडो स्क्वाड 03 एस्कापेड, इसका शेड नंबर है। एंड 4-5 ब्रशेज हैं डियर, आप देख सकते हो। आज मैं इन्हीं के साथ अपना आई मेकअप करूंगी। सबसे पहले मैं लाइट कलर लूंगी ये वाली पैलेट से और अपनी क्रीज को बिल्डअप करूंगी, देख सकते हो आप। जितनी आपको डिजायर्ड आपकी क्रीज चाहिए आप उस हिसाब से बिल्डअप कर लो। एंड फिर मैं ये ऑरेंज कलर लूंगी, पीच कलर लूंगी, ऑरेंज नहीं मैं बोलूंगी, पीच कलर लूंगी, थोड़ा सा और अपनी क्रीज को इंटेंसिफाई करूंगी। एंड अब ये मैं फ्लैट ब्रश के साथ ये थोड़ा सा मॉवी पिंकी सा कलर लूंगी एंड जस्ट प्लेस करूंगी अपने लिड के ऊपर। ये फ्लैट ब्रश है, एक बार में ज्यादा प्रोडक्ट मत लिया करो, थोड़ा थोड़ा लेके आप अपने आई शेडो को अप्लाई करो। अगर आप एक बार लोगे तो वो फिर डियर खराब हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी क्रीज को और मैं मिक्स कर लूंगी, मैं सारे कलर्स को मिक्स करूंगी ताकि बिल्कुल भी वो हार्श लाइंस ना नजर आए। एंड अब डियर मैं ये जो डार्क प्लम पर्पल सा कलर है सिर्फ कॉर्नर पे लगाऊंगी, आईज के कॉर्नर पे, एंड थोड़ा थोड़ा अपनी क्रीज की तरफ लेके जाऊंगी, ज्यादा नहीं करूंगी नहीं तो फिर सारा ओवर प्लम कलर हो जाएगा, ओवर डार्क कलर मुझे नहीं चाहिए। आउटर वी की तरफ ही मैं ज्यादा ब्लेंडिंग करूंगी एंड थोड़ा सा मैं क्रीज की तरफ जाऊंगी। अब मैं डियर दोनों कलर लूंगी एंड अपनी क्रीज को दोबारा से इंटेंसिफाई करूंगी, क्योंकि जब आप डार्क कलर लगाते हो ना तो आपकी क्रीज थोड़ी सी छुप जाती है, तो एट द एंड जब आपकी पूरा आई शेडो लुक कंप्लीट हो जाता है तो अपनी क्रीज को अच्छी तरह से दोबारा इंटेंसिफाई कर लिया करो। ये मेकअप रेवोल्यूशन की रिडम्पशन पैलेट है, शेड नंबर 1 है। एंड इसके साथ मैं डियर फ्लैट ब्रश लूंगी एंड अब मैं इसमें से गोल्डन कलर मैं चूज करूंगी, इसको मैं जस्ट अपनी सेंटर ऑफ द लिड पे प्लेस करूंगी। इसको ज्यादा ब्लेंड नहीं करते नहीं तो फिर वो अपना कलर ही वो गायब हो जाएगा आपका। थोड़ा थोड़ा बस प्लेस करूंगी एंड हल्का हल्का ब्लेंड करूंगी बहुत लाइट हैंड से। आप देख सकते हो एंड थोड़ा सा और धीरे धीरे करके डियर आप कोई भी आई शेडो लगाया करो, जल्दी जल्दी लगाओगे तो फिर वो खराब हो जाएगा। एंड डियर मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया आई शेडो लुक एंड अब मैं लगाऊंगी पर्पल का लिक्विड आईलाइनर। इसका भी मैंने अलग से रिव्यू शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, इसकी टिप बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई ये वाला आईलाइनर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो अच्छी तरह इसके साथ मैं अपना लिक्विड आईलाइनर अपनी विंग लाइनर ड्रॉ कर लूंगी। जब आप विंग लाइनर ड्रॉ करते हो डियर तो आप अपना थोड़ा सा साइड में सबसे पहले अपना एंगुलर एक लाइन ड्रॉ किया करो, फिर आप धीरे धीरे विंग ड्रॉ करने की कोशिश किया करो। थोड़े थोड़ा जगह लेके एक साथ में मत कभी भी प्रोडक्ट लिया करो। एंड अब आप देख सकते हो मैंने अपने विंग लाइनर को ड्रॉ कर लिया है एंड अब मैं यूज करूंगी स्टेक वर्की का व्हाइट काजल। एंड या ये मैं पहली बार यूज कर रही थी, फर्स्ट टाइम व्हाइट काजल अपनी लोअर वाटर लाइन पे। एंड
थोड़ा सा कंफ्यूज थी मैं इस लुक को लेके, इसलिए मुझे लग रहा था मैं शेयर करूँ ना करूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को पोस्ट भी डाल दी थी कि मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, बट आप सबने बोला दी अपलोड कर दो। अब मैं ब्लैक काजल लूंगी, ये है स्टेक वर्की का आई लव यू टू काजल ब्लैक में, इसको मैं अपनी अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी, लोअर वाटर लाइन पे वाइट काजल, अपर वाटर लाइन पे ब्लैक काजल। एंड अब मैं डियर ये चारों शेड्स जो है मेरे आई शेडो पैलेट के, बारी बारी से इनको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे स्मज करूंगी। पहले मैंने ब्राउन लिया, पीच लिया, अब मैं थोड़ा सा पिंक कलर लूंगी, मतलब मैं चारों शेड्स को दिए धीरे धीरे मैं अपने चारों शेड्स को लगा दूंगी ताकि बहुत अच्छी सी सारे कलर्स ब्लेंड हो जाएं और बहुत ब्यूटीफुल सा शेड आए। मैं प्लम कलर भी लूंगी, प्लम कलर थोड़ा सा कम लूंगी, नहीं तो वो सारे शेड्स को ओवरकम कर देगा। और अगर आप ऐसे अपने काजल को स्मज करोगे तो आपका काजल कभी फैलेगा भी नहीं। एंड अब मैं अपने लैशेस को थोड़ा सा कर्ल करूंगी, यह है मोडा का मस्कारा, सुपर शॉक मस्कारा है ये भी, काफी अच्छा मस्कारा है। एंड अपनी लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन, सॉरी लोअर लैशेस पे एंड अपर लैशेस के ऊपर मैं अपने मस्कारा को अप्लाई करूंगी। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का फेस पैलेट है, ये C01 इसका नंबर है। इसके साथ मैं अपनी कॉन्टोरिंग करूंगी, जहां पे मैंने अपनी लिक्विड कॉन्टोरिंग की थी एंड वहीं पे मैं डियर उसी के ऊपर मैं अपनी ये पाउडर कॉन्टोरिंग भी कर दूंगी। इससे थोड़ा सा आपका पाउडर जो आपका लिक्विड कॉन्टोर था वो थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा एंड बहुत ब्यूटीफुली कॉन्टोर हो जाएगा। अब मैं अप्लाई करूंगी वेट एंड वाइल्ड का ये है ब्लश, ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड ब्लश नहीं है बट ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें हल्की सी शीन आती है एंड पीच कलर का ये ब्लश है। ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है, ये इसका नाम था माई टाई बाय योर ड्रिंक। एंड अब मैं अप्लाई करूंगी मेकअप रेवोल्यूशन की ये शिमर ब्रिक है और इसके साथ मैं अपना हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं इन्हीं में से एक ब्रश यूज कर रही हूँ और ये ब्रश बहुत ब्यूटीफुली इसने हाइलाइटर को अप्लाई किया। एंड बाय द वे मैंने हाइलाइटर सिर्फ ऊपर वाले शेड को यूज किया था, बाकी शेड्स को नहीं यूज किया हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। ब्रिज ऑफ द नोज हो गया या फिर आपकी जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं आपके फेस के, वहां पे मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। सेंटर ऑफ द फोरहेड हो गया, चिन एरिया हो गया, चीक बोन्स हो गए, सब तरफ लगाऊंगी एंड फिंगर्स के साथ हल्का हल्का ब्लेंड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं अपना हाइलाइटर लूंगी एंड इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी एंड ब्लेंड करती रहूंगी साथ साथ में ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि मैं ओवर ना लगा दूं। एंड आप लोगों को मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ ऐसे एडेड हैं जिनको मेकअप नहीं आता, जो मुझे कमेंट करके पूछते दी हमें मेकअप बिल्कुल नहीं आता, तो उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी अगर मेरे छोटे छोटे टिप्स अगर आपको हेल्प दें तो बहुत अच्छी बात है। एंड थोड़ा सा मैं अपने ब्राउ बोन पे लगाऊंगी एंड अपनी क्रीज को थोड़ा सा क्रीज के साथ मिक्स कर दूंगी, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। लिप बाम के साथ मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा क्लीन करूंगी, जितना भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन पाउडर कुछ भी लगा हुआ है वो सारा क्लीन हो जाना चाहिए लिपस्टिक लगाने से पहले। एंड हल्की सी लिप बाम मैं फिर से लगाऊंगी, बहुत लाइट सी, ताकि मेरे लिप्स ओवर ही ड्राई ना लगे। एंड ये है स्टेक वर्की की लिक्विड लिपस्टिक एंड शेड नंबर 30 है, ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है। मैं एक्चुअली लिप्स स्वैचेस करने वाली थी, मुझे टाइम नहीं लगा, डेफिनेटली एक दो दिन में आप लोग देखोगे। तो मुझे जब ये वाला शेड मैंने देखा आई वॉज इन लव विद दिस शेड, आई डोंट नो क्यों मुझे अच्छा लगा ये वाला शेड, बहुत प्यारा लगा। मेटालिक शेड है, फर्स्ट टाइम मेटालिक शेड अप्लाई किया। एंड लिक्विड लिपस्टिक का भी डियर वैसे ही आप धीरे धीरे करके अप्लाई करो, जल्दी जल्दी मत करना वरना खराब हो जाएगी। एंड अगर आप ये वाला शेड लेना चाहते हो तो डियर डेफिनेटली आप लोग, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छी तरह से लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई कर लूंगी एंड या मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। एंड बताना मुझे जरूर कि आपको ये कैसा लगा ये वाला लुक। थोड़े से मैं अपने इयररिंग्स वगैरह चेंज कर लूँ एंड अपना मैं थोड़े से अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लूँ एंड ये रहा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया। सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड प्लीज डियर अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे कोई चीज खरीदते हो तो प्लीज आप मेरे लिंक के थ्रू ही जाके खरीदा करो, तभी मुझे पता लगता है, तभी मेरी मेहनत का मुझे फल मिलता है, अदरवाइज
मुझे नहीं पता लगता। एंड ये जो मेकअप ब्रशेस हैं ये मुझे बहुत पसंद आए। अगर आप खरीदना चाहते हो ऐसे वाले मेकअप ब्रशेस तो आप इनको डेफिनेटली खरीद लो। तो मैंने आप लोगों को बोला था मैं ये वाले मेकअप ब्रशेस का थोड़ा सा रिव्यू वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो याद ये था, रिव्यू भी हो गया प्लस एक मेकअप लुक भी मैंने शेयर कर दिया। ये है मेरे पास 20 ब्रशेस, तो मैंने 20 नहीं यूज़ किए, 6 या 7 यूज़ किए थे, क्योंकि एक बार के मेकअप लुक में डियर इतने नहीं यूज़ हो पाते हैं। तो जितने भी यूज़ किए मुझे बहुत पसंद आए। एंड कई बार अगर कुछ मेकअप अगर आपके ब्रशेस गंदे होते तो आप अपने क्लीन वाले यूज़ कर सकते हो। परचेज लिंक्स मिल जाएंगे, कूपन कोड आप नया वाला लगाना, पुराना बिल्कुल भी मत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ आप बेल बटन को जरूर हिट कर देना ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। टिल देन बाय।